एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। राइट वे ऑफ नॉलेज, जैसे इसका नाम है राइट वे ऑफ नॉलेज, नॉलेज का सही तरीका। क्यों? क्योंकि आज इसकी हम सभी को सबसे ज्यादा जरूरत है। आज इस कोरोना के जो इतना खतरनाक माहौल बन चुका है नहीं, लेकिन बना रहे हैं लोग। कोरोना वायरस कुछ नहीं है, लोग इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं इसको कि हमें बहुत बड़ी बीमारी नजर आए। लॉकडाउन का डर, कोरोना का डर, बीमारियों का डर, और यहाँ तक कि एक और डर है, हम शायद सभी लोग अनजान हैं उससे, और वह है न्यूज़ चैनल का डर। बिल्कुल सही समझें आप सभी लोग, न्यूज़ चैनल जिस तरीके से जहर उगलना शुरू करा है उसने, हमने सोचा जब इतनी बीमारियां फैली हुई हैं, जहर फैला हुआ है, तो क्यों ना न्यूज़ चैनल से अमृत दें लोगों को, कि ताकि उस अमृत को पीकर लोगों की सोचों पर थोड़ा बहुत ही सही असर तो पड़े। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम मुलाकात कर रहे हैं मिस्टर कामिल से, जो एक जाने माने हस्ती है हमारे बदायूं की। तो मिस्टर कामिल केवल और केवल एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टूडेंट के लिए राह दिखाते हैं, स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ अपना योगदान भी देते हैं। तो आज इन्हीं के साथ हम अपने विचारों को साझा करेंगे। तो मिस्टर कामिल, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने चैनल में बोलने का मौका दिया। और बात यह है कि कोरोना की महामारी बेस्ट महामारी है। मिस्टर कामिल, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपना नाम बताएं जनता को। मेरा नाम कामिल उद्यान, मैं बदायूं का रहने वाला हूँ, और मैं एक इंजीनियर हूँ और एक बीए पॉलिटिकल साइंस का लास्ट ईयर है इस साल। मैं एक छात्र हूँ। सबसे बड़ी जो चीज़ है इनकी ये है कि पॉलिटिक्स में इनका जो कदम जो कि ये रख चुके हैं, इनका सबसे बड़ा सपना है। तो इसीलिए हम इनके पास में आए हैं कि ताकि ये वो चीज़ फेस कर रहे हैं जो हमने अभी तक फेस नहीं करी है। शायद उन चीज़ों से हम अनजान हैं जिन चीज़ों को ये देख चुके हैं। तो मिस्टर कामिल, आप देख ही रहे होंगे कोरोना का माहौल चल रहा है। कोरोना के माहौल में कोरोना का डर कितनी तरीके से अंदर बैठ चुका है लोगों को। तो मिस्टर कामिल से मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिस्टर कामिल, ये बताइए कि जिस तरीके से ये न्यूज़ चैनल कंटेंट को सही तरीके से प्रोवाइड ना करा के उसको रॉन्ग वे में क्यों ले जा रहे हैं? क्यों ये लोग हमेशा धर्म को बीच में लेके आ रहे हैं? देखिए, नफरतें यूँ फैलती हैं कि मीडिया को बढ़ावा चढ़ावा दिया जाता है कि तुम नफरतें फैलाओ, तुम आज जातिवाद को बढ़ावा दो। क्योंकि ऐसा है, जिस किसी नेता की या किसी इंसान की कुर्सी खतरे में आती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है, जाति और धर्म की राजनीति करता है। ठीक है, जाति धर्म की राजनीति करता है, ना कि वो नफरत की भी करता है। बस भाईचारे कोई नहीं अपनाता है। भाईचारे को सबसे ज़्यादा यही मानता हूँ कि भाईचारे को वो अपनाता है जिसके अंदर इंसानियत है, भाईचारा है, तो शिक्षित है, जो ईमानदार है, जो समझदार है, बस वही ना। तो मिस्टर कामिल, जो आजकल जो युवा है ना हमारे, वो सबसे ज़्यादा जो समय व्यतीत कर रहे हैं किताबों में ना रहकर, बल्कि वो कोरोना वायरस पढ़ रहे हैं, और मीडिया के जो चैनल हैं सबसे ज़्यादा वो देख रहे हैं, और वो उनको डरा रही है। तो क्या उन लोगों को मीडिया चैनल यानी कि जो न्यूज़ चैनल है वो देखना चाहिए, या फिर स्टडी पर ध्यान देना चाहिए? मेन पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा विचारों की चमक कहाँ से आती है? किताबों से। ठीक है, किताबों पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। कोई किताब ऐसी तो है नहीं कि किसी के खिलाफ है, बिल्कुल, या किसी के। अगर हम चैनल खोल के बैठते हैं तो वहाँ पर पंडित मौलवी बैठता है, वो मौलवी पंडित को गाली देता है, पंडित मौलवी को गाली देता है। ठीक है, वो धर्म की तड़का लगाते हैं। धर्म में है क्या? धर्म का तड़का एक ऐसी चीज़ है ना, जहाँ पर धर्म का तड़का लगा वहाँ पूरे का पूरा समाज दबा हो गया, बस। तो मिस्टर कामिल का जो ये कहना है कि जहाँ धर्म बीच में आ जाता है वहाँ पर बहुत चीज़ें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जिस तरीके से लोग ये धर्म और जाति, ये दो जो हथियार हैं, वो आखिरकार ये मीडिया के हथियार है, पॉलिटिक्स के हथियार है। देखिए, पॉलिटिक्स ने किसको बढ़ावा दिया? मीडिया। ऐसा है ना, बैकग्राउंड भी होना जरूरी है ना किसी भी चीज़ का। बैकग्राउंड होगा तभी तो आदमी किसी में जुड़ा होगा, जब बैकग्राउंड नहीं होगा ना तो आदमी को थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि उससे अपने जीवन का और आने वाले कल का, बस यही है। जब तक किसी के पीछे पीठ नहीं थपा जाती तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ बढ़ नहीं सकता है जिसके पास विचार होते हैं, जो डरता नहीं है। हम तो कहते हैं कि तुम गलत का विरोध खुलकर करो, चाहे राजनीति में समाज। इतिहास सिर्फ टकराने वालों को लिखा जाता है, अलग जाने वालों को। बिल्कुल, क्या बात है। मिस्टर कामिल ने बहुत बड़ी और बहुत ही सुलझी हुई बात करी है। मिस्टर कामिल का ये कहना है कि इतिहास वही रचते हैं जो कुछ अपने हिसाब से चलते हैं, वो नहीं जो कुछ चलाया जाता है अपने हिसाब से। तो आप सभी लोग इस चीज को ध्यान रखिए कि न्यूज चैनल जो हमें दिखा रहे हैं, जो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, वो ना समझ के, वो ना देखकर हम सभी लोगों को अपनी किताबों की ओर लौटना चाहिए। तो मिस्टर कामिल, आप जैसे कि स्टूडेंट के लीडर भी रह चुके हैं, मिस्टर कामिल ने बहुत योगदान दिया। हमेशा मिस्टर कामिल ने किताबों को बढ़ावा दिया कि भाई तुम नॉलेज हासिल करो, नॉलेज से तुम्हें इंफॉर्मेशन हासिल होगी और फिर इंफॉर्मेशन को यूज करो सोसाइटी के अंदर। तो मैं मिस्टर कामिल ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये न्यूज़ चैनल, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले कि युवाओं को न्यूज़ चैनल देखना चाहिए या स्टडी करनी चाहिए? फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ कि पहले हमारे लिए शिक्षा है, बाद में ज़्यादा सब कुछ है। पहले हम पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई में फोकस पर ध्यान दें कि हमारा कल क्या है, आने वाला कल क्या है। बुजुर्गों पर एक उम्मीद था, पुराने वाला कल एक सपना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा मिस्टर कामिल ने कि आने वाला जो वक्त है वो हमारे लिए एक सपना है और उस सपने को साकार करना ही हमारे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ना कि वो सपना एक न्यूज़ चैनल के लिए हो। वो सपना ये नहीं कि कोरोना वायरस का सपना हो रहा हो। आजकल तो लोगों को सपने भी कोरोना वायरस के आ रहे हैं, अरे मुझे कोरोना हो गया, इस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आजकल लोग भूतों की फिल्में नहीं देखते, कोरोना वायरस। आजकल लोग किताबें नहीं पढ़ते, आजकल लोग सिर्फ और सिर्फ जहर मीडिया का जो पहुंचाया गया है वो पढ़ते हैं। तो मिस्टर कामिल, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से युवाओं ने अपने आप को बांध लिया है इस बहुत बड़े चक्र के अंदर, जो कि सिर्फ न्यूज चैनल है और पॉलिटिक्स है, वो ये क्यों सोचते हैं? मिस्टर कामिल, मैं जब कहता हूँ कि आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि किसी और चीज पे, तो लोग ये कहते हैं कि हमें सोसाइटी पर भी ध्यान देना है। देखिए, पहली बात ये है, स्पष्ट लफ्जों में कहना चाहता हूँ मैं, राजनीति जो पॉलिटिक्स है, कुछ लोगों ने तो पेशा व्यापार समझ रखा है। हम बड़े होकर राजनीति करें, जैसे 18 में आए, 20 में आए, 22 में आए, लोगों की मानसिकता यही है कि राजनीति करके लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए, जनता बेवकूफ़ बने। लेकिन आज के दौर में जनता समझदार हो चुकी है, जनता सब जान चुकी है कि वो दौर और था, ये दौर और है। मिस्टर कामिल, मुझे नहीं लगता जनता अभी तक कुछ जान पाई। अगर जनता जान चुकी होती तो शायद हम लोगों की ऐसी हालत नहीं हुई होती। शायद हम लोगों को अगर सही और गलत का अंदाज़ा होता तो हम इस कोरोना वायरस को मास्क के द्वारा न रोकते, लॉकडाउन के द्वारा न रोकते, बल्कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते। तो मिस्टर कामिल, ये चीज़ और आती है जब हम लोग क्या कहते हैं डिबेट देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पर, और जिस तरीके से हम लोग पोस्ट देखते हैं फेसबुक, इंस्टा पर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो कौन लोग हैं जो जहरीली न्यूज़ को फेसबुक तक पहुंचाते हैं? पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स क्या है मिस्टर? कोई किसी का नेता है, कोई किसी का कार्यकर्ता है, वो उसी का नहीं दे रहा है, वो उसी का नहीं दे रहा है। ये मैं तो ये समझता हूँ कि राजनीति खिलवाड़ होता है, खिलवाड़ होता है। राजनीति को आज के दौर में काफ़ी ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने जातिवाद में बदल दिया है कि हम ये जातिवाद की राजनीति करें, कि हम हिंदू की राजनीति करें, कि हम मुसलमान की राजनीति करें, कि हम इनकी राजनीति करें। देखिए, राजनीति क्या है? मानवता की बात करो, हमेशा मानवता की बात करो, इंसानियत की बात करो। और बात वो है जहाँ पर अगर एक किसी गरीब, किसी नौजवान, देखिए इलेक्शन के लिए नहीं लड़ा जाता है, इलेक्शन की पीढ़ी के लिए लड़ा जाता है। बिल्कुल, वो अपनी नस्लें, नेता, मंत्री, वो अपनी नस्लों के लिए सोचता है, गरीब के लिए कुछ नहीं सोचता है। साहब, अमीर की बेटी जितना पालन में दी जाती है ना, उतने में गरीब की बेटी अपनी ससुराल चली जाती है। बिल्कुल, मिस्टर कामिल ने एक बहुत अच्छी बात कही है। मिस्टर कामिल की जिस तरीके से सोच बहुत आगे तक जा रही है, उनकी सोच केवल अपने तक नहीं है। मिस्टर कामिल की सोच है कि लोगों का विकास करना ही प्राइम मिनिस्टर का या किसी भी राजनेता का सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट कार्य है, जो उसको बखूबी तरीके से करना चाहिए विदाउट पार्शियलिटी। मिस्टर कामिल का जो कहना है कि हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना है, हम लोगों को एक दूसरे के साथ चल के एक दूसरे का सहारा बनना है। बिल्कुल, लेकिन ये सहारे को तोड़ने वाले बहुत हैं मिस्टर कामिल, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बात क्या है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिस पे बीती है ना सिर्फ वही जानता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये धर्म के जो ठेकेदार हैं ये वक्त की तुम्हें रोटी खिला दूंगी, नहीं ना, नहीं खिला सकते। वो क्यों नहीं खिला सकते? क्योंकि तुम्हारे जरिए उन्हें अपनी रोटियाँ सीखना है, उन्हें अपनी कमान संभालनी है। आज भी समझ जाओ, और आज नहीं समझोगे तो कल आप आने वाली नस्ल फिर समझेगी। बस यही कहना चाहता हूँ मैं अपनी आवाम से। और कल एक परसों की बात है, मुझे एक अंकल कहने लगे कि अच्छा हुआ मेरी कोई बेटी नहीं है। तो मैंने कहा अंकल, खुदा बेटियाँ भी उन्हीं को देता है जिनमें उन्हें पालने की औकात होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बेशक आपने बहुत अच्छा फरमाया और आपने ठीक कहा कि बेटियाँ उसी को मिलती हैं जिसको उसको उनको पालने की औकात होती है। तो मिस्टर कामिल से हम विदा लेते हैं और आप सभी लोगों से ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमारी वीडियो से, जो द राइट वे ऑफ नॉलेज को सही तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आप सभी लोग उसका भी समर्थन करेंगे। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। मिस्टर कामिल से हम आखिरी विदा लेते हुए कामिल सर से पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये न्यूज़ चैनल लोग देख रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए और उनको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए पहले क्या है, हिंदुस्तान के हर एक युवा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान को पढ़ना चाहिए। हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि इनके विचार क्या कहते हैं बाबा साहब के। कहने का मतलब क्या है, आदमी जब नहीं पढ़ पाया ना किसी चीज़ को तो सिर्फ और सिर्फ नफरत ही फैला सकता है। मतलब मिस्टर कामिल का यही कहना है, आखिर में हम सभी लोगों की तरफ से यही कहना चाहते हैं कि ज्ञान जीवन है तो अज्ञान मृत्यु। इसी आशा के साथ हम सभी लोग आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद और जय भारत, जय भीम।